केरल के वायनाड में हुए लैंडस्लाइड की वजह से 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं घटना स्थल पर फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने का अभियान भी जारी है। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भूस्खलन में फंसे लोगों को निकालने के लिए काम कर रहे हैं। इस दावे को सही ठहराने के लिए स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें भी शेयर की जा रही है। कई भाजपा समर्थक यूजर्स इसी दावे के साथ ये तस्वीरें ट्वीट कर रहे हैं। वहीं साथ ही राहुल गांधी पर तंज भी कस रहे हैं कि वो वायनाड में लोगों की मदद करने के लिए नहीं पहुंचे, लेकिन आरएसएस के कार्यकर्ता वहां पर लोगों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने वायनाड का दौरा 1 अगस्त को किया था और उनके साथ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थी। पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने भी यही दावा एक्स पर दोहराया है। ऑल्ट न्यूज ने कथित दावे को लेकर छानबीन शुरू की और पाया कि सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरें पुरानी हैं। हमें साल 2018 का ये पोस्ट मिला। कैप्शन में बताया गया है कि केरल में आरएसएस लोगों की मदद कर रहा है। वहीं जांच जारी रखते हुए हमें एबीवीपी भास्कराचार्य कॉलेज के फेसबुक पेज पर अगस्त 2018 का ये पोस्ट भी मिला। इसके कैप्शन में आरएसएस के सेवा भारती और एबीवीपी के स्वयं सेवकों की सराहना की गई है और डोनेशन के लिए अपील भी की गई है। वहीं ये तीसरी तस्वीर हमें वीएस के तमिलनाडु वेबसाइट पर उसी समय के आसपास में मिली। साथ में ये भी बताया गया है कि आरएसएस से जुड़े सेवा भारती एनजीओ ने बाढ़ पीड़ितों की मदद की थी और ये उसी मौके की तस्वीर है। तो जैसा कि आपने देखा, साल 2018 में केरल में आई बाढ़ के दौरान राहत कार्यों की तस्वीरें हाल में वायनाड में हुई भूस्खलन से जोड़कर शेयर की गई। हालांकि ये सच है कि वायनाड में आरएसएस के स्वयंसेवक और सेवा भारती के वॉलंटियर्स राहत कार्यों के लिए जुड़े थे।